श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आइए भक्तों, श्री रामचरितमानस का सातवां अध्याय उत्तरकांड आरंभ करें। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमल के चिन्ह से सुशोभित शोभा से पूर्ण पीतांबरधारी कमल नेत्र सदा परम प्रसन्न हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त भाई लक्ष्मण जी से सेवित स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूं। कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। श्री जानकी जी के कर कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वाले के मन रूपी भंवरे के नित्य संगी हैं, अर्थात चिंतन करने वालों का मन रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण जगत जननी मां पार्वती जी के पति वांछित फल के देने वाले दुखियों पर सदा दया करने वाले सुंदर कमल के समान नेत्र वाले कामदेव से छुड़ाने वाले कल्याणकारी भगवान शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री राम जी के लौटने को अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया, अतएव नगर के लोग बहुत अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहां तहां सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी आए क्यों नहीं। इतने में ही सब सुंदर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के शुभ आगमन को जना रहे हैं। कौशल्या आदि सब माताओं के मन ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है, इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे कि प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष बचा है। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ आए नहीं? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद के प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ में नहीं आने दिया। और बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ अर्थात असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार अर्थात छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते, वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। कि राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयउ जन पोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा।
उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मानकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले, जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ गए। शत्रु को रण में जीतकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाता है। कि कौ तुम तात कहां ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुति सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुनो कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहां से आए हो जो तुमने मुझको ये परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानर हूं, मेरा नाम हनुमान है। मैं दीनों के बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय प्रेम हृदय में नहीं समाता था, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और शरीर पुलकित हो गया था। भरत जी ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए हैं मानो। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में कहिए मैं आपको क्या दूं। इस संदेश के समान जगत में कुछ भी नहीं है, मैंने ये विचार करके देख लिया है, इसलिए हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उलण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का हाल सुनाओ। तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो, कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते थे? भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुण समूह का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र भला क्यों ना होंगे। कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुने हरषन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय हैं। हे तात मेरा वचन सत्य है, ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता ही नहीं। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझा दिया। नगर निवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़ रहे हैं। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही दूब गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली जा रही हैं। जो जैसे है जहां जिस दशा में है वे वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठकर दौड़ रहे हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते,
एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई है, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया है। गुरु वशिष्ठ जी, कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपा धाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है, अर्थात इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहां विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के सामने मुझे वह भी प्रिय नहीं है, यह बात कोई कोई जानते हैं। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप अर्थात सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहां के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। यह पुरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है वह अवश्य ही धन्य है, धन्य है। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा दी, तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास चले जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, गुरु वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर प्रभु राम को गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़े, जिन्हें देवता मुनि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगाया। उनके सांवले शरीर पर रोएं खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में जल की मानो बाढ़ आ गई है। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय लगाकर मिल रहे हैं। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हो जाए। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछ रहे हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र निकलते नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा, सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त अर्थात दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है, सब कुशल है।
विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस तरह विरह से उत्पन्न दुसे दुख का नाश हुआ। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हो रहे हैं। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए हैं। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार कर दिया। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिल गए। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शीर और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी आती हैं। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने अगणित सुख और हर्ष को प्राप्त किया। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी को श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सखचाई हुई। लक्ष्मण जी भी जब सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए, वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का रोष नहीं जाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही हैं। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं। मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती हैं। सोने के थाली से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देख रही हैं। अनेकों प्रकार से निछावरें करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। मां कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परम आनंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल नील, जांबवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगर निवासियों की प्रेम, शील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लागो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरु जी से कहा, हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए जहाज के समान थे। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए। ये मुझे भरत जी से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न है। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने मां कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। मां कौशल्या ने हर्षित होकर आशीषें दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ जी के समान प्यारे हो।
आनंद कंद श्री राम जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा रहा है। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से अलंकृत करके और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई हैं। सारी गलियां सुगंधित द्रवों से सिंचाई गई हैं। गज मुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गई हैं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए हैं और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत सी युवतियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजाकर मंगल गान कर रही हैं। वे दुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे से रह जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई है, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सा सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सब शुभ योग है। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। कि तब मुनि कहे सुमंत्र सन सुनत चले हर्षाई रथ अनेक बहुबाज गज तुरत संवारे जाई। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा, वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। भक्तों, यहां नवान्न पारायण आठवां विश्राम है। जय श्री राम। आइए भक्तों, नवान्न पारायण आठवां विश्राम से आगे कथा आरंभ करें। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादी को स्नान कराया। फिर करुणा निदान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। तदंतर भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांग कर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके सुशोभित अंगों को देखकर असंख्य कामदेव लजा गए।
इधर सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए। श्री राम के बाई ओर रूप और गुणों की खान रमा अर्थात जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल समझकर हर्षित हो रही हैं। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु को देखकर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी उस पर विराजमान हो गए। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हो रहा है। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो ऐसी पुकार कर रहे हैं। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया, फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर माताएं हर्षित हो रही हैं और उन्होंने बार बार आरती उतारी। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए और संपूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया अर्थात मालामाल कर दिया। त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं, देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण जी, अंगद जी, हनुमान जी और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चंवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों काम देवों की छवि शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीतांबर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी भुजाएं हैं। जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस अर्थात आनंद महादेव जी ही जानते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां भगवान श्री राम जी थे। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान लिया और पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं की शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूं। प्रभु आपको नमस्कार करता हूं। हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए, उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के शम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया,
हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रिलोक को पवित्र करने वाली देवनदी गंगा जी निकली, और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दीनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है, जो प्रभा रूप से अनादि है, जिसकी चार त्वचाएं, छह तने, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे दो प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभु, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए। तब भगवान शिव वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया कि जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाही जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाही प्रभो। हे राम, हे रमा रमन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए प्रभु। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए। दस शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरी रुजा रजनी चर बृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले भगवान श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम धत सायक चाप निशंगबरम मदमोह महा ममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजयनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकश धारण किए हुए हैं। महान मद मोह ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। के मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ नि
पाही हरे विषया बन पावर भूल परे। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विष रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए प्रभु। बहुरोग वियोगनी लोग हाय भवदंघि निरादर के फलये, भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम नजे करते। लोग बहुत से रोगों और दुखों से मारे हुए हैं, ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथा भव सागर में पड़े हैं। के अति दीन मलीन दुखी नितही जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। के नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा, एही ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें न राग है, न लोभ, न मान है, न मद, उनको संपत्ति और विपत्ति समान है। इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिए, के सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंति मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। कि मुनि मानस पंकज भ्रंग भजे रघुबीर महा रणधीर अजे, तव नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मानरि। मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, हे हरि आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान की शत्रु हैं। के गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन कंदे द्वंद्व घनम महिपाल बिलोके दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं, आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेषादि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। कि बार बार बर मांगऊं हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूं कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मी पते, हर्षित होकर बस मुझे यही दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए।
हे गरुड़ जी सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंतकाल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को चले जाते हैं। इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति पाते हैं। पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। कि ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति, जात न जाने दिवस तिन गए मास षट बीति। वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं और बात की बात में 6 महीने बीत गए। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जागृत की तो बात ही क्या है, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री राम जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, पर मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। हे सखाओ, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहां हैं, यह देह की सुध भी भूल गई थी। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते रह गए, अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सके। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाले मुझे आपकी ही गोद में डाल गए थे, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता सब कुछ आप ही हैं प्रभु,
आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं भला कहां जाऊंगा। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में ही रखिए। मैं घर की सब नीचे से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर चला जा। कि अंगद बचन बिनीत सुनी रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाई उर लायऊ सजल नयन राजीव। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भर आया है। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि बालीपुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर फिर कर श्री राम जी को देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह दें। वे श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं और दुखी हो रहे हैं। किंतु प्रभु का रुख देखकर बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले। अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा, हे देव, कुछ दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणों के दर्शन करूं। सुग्रीव ने कहा, हे पवन कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपा धाम श्री राम जी की सेवा करो। सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान, सुनिए, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बालीपुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो रहे हैं। काकभुषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अत्यंत कठोर और फूल से भी अत्यंत कोमल है। तब कहिए, वह किसकी समझ में आ सकता है। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उसे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ सखा, वहां मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो, अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भरकर वे चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वे घर आया और आकर उसने कुटुंबियों को अपने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोक हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। कि बरना शमन जन जय धर्म निरत बेद पथ लोग, चल ही सदा पाव ही सुख ही नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए, सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। राम राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं।
धर्म अपने चारों चरणों से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति के अधिकारी हैं, अर्थात मोक्ष के अधिकारी। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से ही नहीं है। सभी दंभ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ अर्थात दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट, चतुराई, धूर्तता किसी में नहीं है। काकभुशुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी सात समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए सात द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे सात समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होगी। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और मां सरस्वती जी भी नहीं कर सकते हैं। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम, दान, दंड और भेद, ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं है, इसलिए दंड किसी को होता ही नहीं। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद की नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय होकर विचरते हैं और आनंद करते हैं, शीतल मंद सुगंधित पवन चलती रहती है, भवरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं, बेलें और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है, त्रेता में सत्ययुग की करनी हो गई, समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी, सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहाने लगी हैं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डालते रहते हैं,
जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है, दसों दिशाओं के विभाग अत्यंत प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान है। शोभा की खान, सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली मां सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती कि जे ही विधि कृपा सिंधु सुख मानई सोई कर श्री सेवा विधि जाने। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाले। घर में कौशल्या मां आदि सभी सासुओं की सीता जी अधिक सेवा करती, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, अर्थात सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित अर्थात सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती रहती हैं। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं, श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं कि कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कह दें। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते रहते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोती तयज माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं।
सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। जहां भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं, मानो नव ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी पर अनेक रंगों के कांचों की गच बनाई गई है जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छू रहे हैं। महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खंभे हैं, मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों के सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती हैं। भंवरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोलते और उड़ने में सुंदर लगते। मोर, हंस, सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मणियों की दीवार में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते और नृत्य करते रहते। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम, रघुपति, जनपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर हैं, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। सुंदर बाजार जो वर्णन करते नहीं बनते, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य के मिलती हैं। जहां स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहां की संपत्ति का वर्णन भला कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, सराफ रुपए पैसे का लेन देन करने वाले आदि वणिक व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री, पुरुष, बच्चे और बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुंदर हैं। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। अलग कुछ दूरी पर बहुत ही सुंदर घाट हैं, जहां घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते। पानी भरने के लिए बहुत से घाट हैं जो बड़े ही मनोहर हैं। वहां पुरुष स्नान नहीं करते, वे जनाने घाट। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहां चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं।
नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। अयोध्या पुरी जी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहां वन, उपवन, बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनके सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भंवरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वाले को बुला रहे हो कि रमानाथ जहां राजा सो पुर बरन के जाई, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहां राजा हो उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। लोग जहां तहां श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो, शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो, श्री रघुनाथ जी को भजो। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमलवन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिनों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिमराशि अर्थात बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उदार दयालु स्वामी प्रभु राम जी को भजो। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते।